मध्य प्रदेश में अन्नदाता पर कभी बारिश का कहर टूट रहा है तो कभी सूखे ने हलाकान किया हुआ है। मौसम की यह बेरुखी और अनिश्चितता किसानों को बर्बाद कर रही है। इस कारण सरकार ने अब तय किया है कि मध्य प्रदेश में खुद के मौसम केंद्र शुरू करेंगे। ऑटोमेटिक वेदर सब स्टेशन के नाम से इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए शुरुआत में 1250 केंद्र खोलना तय किया गया है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। दरअसल ये केंद्र हाईटेक होंगे। इसमें पल पल के मौसम की खबर दी जाएगी। यह पूरी तरह सैटेलाइट से जुड़े होंगे और हर पल बताएंगे कि पर्टिकुलर क्षेत्र में मौसम का मिजाज क्या है, तापमान कितना है, बादलों का रुख क्या है और बारिश होगी या नहीं होगी। अभी जो मौसम केंद्र है वो अंग्रेजों के जमाने के सिस्टम से चल रहा है, इसलिए वर्तमान में सुबह और शाम का वेदर ही वो कैलकुलेट करता है। लेकिन जब यह वेदर मौसम और किसान तक पहुंचता है तो काफी देर हो जाती है। इसलिए अब हर पल का मौसम जानने के लिए सरकार ने यह प्रयास शुरू किया है। इसके तहत रियल टाइम डाटा मिलेगा और किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार के प्रयास परवान चढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुईया उई के इस समय नीमच आई हुई है। यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों के साथ में योजनाओं के संदर्भ में चर्चा की, समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कई मसलों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत बताई। मसलन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ यथा समय उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, इस बारे में उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब भी किया। दूसरी तरफ आपराधिक मामलों में FIR क्यों तत्काल दर्ज नहीं होती है, इस मामले पर पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने सवाल जवाब किए। एक महत्वपूर्ण मसला उन्होंने मीडिया के सामने उजागर किया है कि देश भर में अनुसूचित जनजातियों के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बड़ी तादाद में बने हैं। करीब 4 लाख मामले उन्होंने अकेले महाराष्ट्र के बताए हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी उन्होंने दी है। उनका कहना है कि जनजाति आयोग इस मामले पर जांच कर रहा है, साथ ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में मामला वे दाखिल करने जा रहे हैं, जिसमें मांग की जाएगी कि अनुसूचित जनजाति के नाम पर जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं उनके खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो वे कोर्ट में जाकर के इस मामले में स्टे न ले सकें, ऐसी व्यवस्था भी की जाए। वर्ष 2018 में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके लिए अभी से कांग्रेस में संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस और शहर कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर संजय ठाकुर PRO बन के आए और उनके सामने कांग्रेस पार्टी एक दूसरा तार तार हो गई। अलग अलग थीमों पे में पर्यवेक्षक गए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराज हो गया। गुटबाजी में बटी कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूसरे ग्रुप में कांग्रेस नेता के जाने का विरोध भी किया और 2018 की एकजुटता के साथ विधानसभा की तैयारियों को कांग्रेस को यहाँ पर सड़क पर गुटबाजी जोरदार हंगामे के बीच संपन्न हुई। हालांकि चुनाव में जो कौन ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा इसके लिए जो बाहर से पर्यवेक्षक बन गया उन्होंने कभी नहीं खोले हैं। पर रेस्ट हाउस के पास बनाई गई ये झांकी अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। इस झांकी की खासियत ये है कि नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान है, इसे ध्यान में रखते हुए भगवान की झांकी तैयार की गई है, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती और अपने बच्चे गणेश के साथ गल्ला मंडी में फसल बेचने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस बैलगाड़ी पर वो बैठे हुए हैं उसमें वो अनाज के बोरे रखे हुए हैं। ये बहुत ही मौलिक और रचनात्मक झांकी है। सबसे व्यस्त छत्रीकुल जो हाल ही में बारिश की तेज बहाव और जर्जरता के कारण ढह गया, इसके बाद से ही शहर के लगभग 52,000 दुपहिया वाहनों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। पिछले 72 घंटे से इस पुल की जर्जरता की वजह से प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम का समूचा अमला पसीने बहाते हुए यातायात की बहाली के प्रयास कर रहा है। आज फिर से कलेक्टर ने इस पुल का निरीक्षण किया। पहले सुबह के समय मीटिंग हुई, मीटिंग के दौरान अफसरों से बात की गई। दोपहर में कलेक्टर पहुंची, पैदल चली, उसके बाद महापौर को बुलाया गया और रात 10 बजे आखिरी निरीक्षण के बाद तय किया गया कि आज की रात कार्य पूरा कर बुधवार से रूट को शहर के लिए खोल दिया जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में शहर के यातायात को किस तरह प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम का अमला रास्ता दिखा पाता है।
शहर में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। शहर की रिहायशी कॉलोनी चंपल मार्ग सागर में एक बार फिर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। केमिकल डीजल उद्योग में कार्यरत एक श्रमिक के मकान से बीती रात में चोर लगभग 5 लाख का सामान ले उड़े। घटना उस समय हुई जब घर के सभी सदस्य एक निजी हॉस्पिटल में थे। घर की मुखिया की पत्नी का अस्पताल में जनस्वास्थ्य उपचार चल रहा है। जहाँ पर सुना मकान देख बदमाशों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़ा, अंदर घुसकर अंदर अलमारी में रखे आभूषण ले गए। मंदसौर शहर में राज्य स्तरीय शालेय कैरम प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। समापन अवसर पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विजेता और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। यहाँ 14, 17 और 19 आयु वर्ग के करीब 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें भोपाल और जबलपुर की टीमों ने अपना परचम फहराया। अब नेशनल प्रतियोगिता तमिलनाडु में आयोजित की जाएगी। आज समापन अवसर पर यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि सब खिलाड़ियों को खेल भावना से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व तमिलनाडु में करना चाहिए। शहर के नेहरू पार्क में कुछ युवाओं ने एक लाफिंग क्लब बनाया। लाफिंग क्लब में युवा इकट्ठे होते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, तालियां बजाते हैं, ताली को भी एक व्यायाम का रूप दिया गया है, और उसके साथ ही हंसने का अभ्यास करते हैं। उस तनाव भरी जिंदगी में कुछ तनाव से मुक्ति पाने के लिए इन दिनों शहर के युवा जम जम से जोर जोर से खिलखिलाकर हंसकर एक हंसी का संदेश दे रहे हैं और अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। लोकेश साल भर में आने वाले त्योहारों पर इसके लिए बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं, जैसे की दिवाली, होली, राखी और वही राष्ट्रीय पर्व को लेकर भी इन बच्चों द्वारा बहुत उत्साह दिखाया जाता है। पास सड़क हादसे में 48 लोग जख्मी, घायलों को महिदपुर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिदपुर संवाददाता ओम सोनी के अनुसार एक पिकअप वाहन में एक ठेकेदार द्वारा सोयाबीन की फसल काटने के लिए पिकअप वाहन में भेड़ बकरी की तरह 60 लोगों को भरकर ले जाया जा रहा था। सड़क पर गड्ढे होने के कारण पिकअप वाहन पलट गया और 48 लोगों को चोटें आईं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। रतलाम फोरलेन पर नामली और हसन पालिया के बीच में मलिनी नदी पर एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद हादसा हो गया था। इसमें कई 4 भैंस मलिनी नदी में गिरने के बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन अब तक उन्हें हटाया नहीं गया। इस कारण आज सुबह हसन पालिया हल्दुनी सहित आसपास के गांव वालों ने फोरलेन पर जाम लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद पुलिस की व प्रशासन की नींद खुली। वह आनंद फानंद पर मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया और अंततः हसन पालिया के सरपंच ने एक समिति के एक स्वीपर को 8,000 रुपये में उन मृत भैंसों को हटाने का ठेका दिया। इसके बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। इस दौरान आधे घंटे तक फोरलेन पर यातायात थमा रहा। में आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में नीमच और जावत के विधायक के अलावा कलेक्टर, एसपी, आरटीओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक के पहले ही मुद्दे में ये बताया गया कि पिछली बैठक में जो कुछ बिंदु तय किए गए थे उनमें से एक पर भी अमल नहीं हुआ। इसके अलावा जिन 4 महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में पिछली बैठक में निर्धारण किया गया था उनमें से कुछ ही सड़कों के काम हुए हैं। इस बारे में बैठक के अंदर ही जवाब तलब भी हुआ। आरटीओ से लगाकर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से कलेक्टर और विधायकों ने सवाल किए तो वे बगले झाड़ते नजर आए। हाईवे पर विश्वामदाना क्षेत्र के 7 रुंडा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ी दुर्घटना हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीबन 2 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, सभी मजदूरी के लिए जंजोड़े जा रहे थे। इस हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हुई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना का मौका मुआयना किया है। इस दौरान ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो गया है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पुलिस ने दुर्घटना में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। होते होते टल गया है। यहाँ पर सहारनपुर से शाजापुर की ओर आ रहा है ट्रक जिसमें कार्टून भरे हुए थे,
जो काफ़ी तेज स्पीड में आ रहा था, जाकर शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग टंकी चौराहा से बस स्टैंड के बीच डिवाइडर में जा घुसा। इससे हालांकि कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों का यह कहना है कि इसके आगे कुछ दो पहिया वाहन चल रहे थे और ट्रक काफ़ी तेज स्पीड में था। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने सही वक्त डिवाइडर में ट्रक को घुसा दिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती है। दो दिन पहले जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अच्छे काम के लिए यहाँ 75% अंक दिए गए, लेकिन आज कलेक्टर इसकी हकीकत जानने के लिए पहुंची। यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं मिली और कलेक्टर ने यहाँ होने वाले नए निर्माण को लेकर जो ठेकेदार को ठेका दिया गया था, उस ठेकेदार द्वारा अब तक काम शुरू नहीं करने को लेकर वो नाराजगी जताई है। फोन पर ही उनको काफ़ी देर तक जो है खरी कोटी सुनाई और उन्होंने चेतावनी भी दी। इसके साथ साथ PHC वालों को भी चेतावनी दी कि पाइपलाइन का काम क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है, और उन्हें शाम तक का समय दिया गया कि जब शाम तक अगर ये काम शुरू नहीं होता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। प्रदेश में किसान आंदोलन की आग भले ही बुझ चुकी हो, लेकिन राजनीति इस पर अब भी गर्माई हुई है। रतलाम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष को मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद बीती 3 सामान्य सभा की बैठक से वह नदारद रहे। इस बात को लेकर भाजपा समर्थित सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया, जिसको लेकर जिला पंचायत CEO ने उज्जैन संभाग आयुक्त कार्यालय को उपाध्यक्ष को अविश्वास मत से हटाने की मांग की थी। इस पर संभाग आयुक्त ने जवाब तलब किया है। उसके बाद ही हाल ही में हुई बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष फिर से जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में नजर आए, जहां उन्हें CEO ने अविश्वास से जुड़ा एक पत्र थमाया, जिसे लेकर संभाग आयुक्त ने जवाब तलब किया है कि वे बीते 3 बैठकों से इसमें क्यों नहीं शामिल हुए। मंदसौर शहर में हर वर्ष की तरह इस बार भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। PG कॉलेज मैदान पर 71 फीट ऊंचा रावण और 41 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। इसके लिए बुधवार को विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर OP श्रीवास्तव और SP मनोज सिंह सहित आयोजन समिति के सदस्यों ने पुतला निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इसी वाला वहाँ जहाँ दहन स्थल होना है वहाँ के निरीक्षण किया और मौके पर क्या क्या जरूरत है उनके रूपरेखा बनाई। नंबर 17 को नेशनल हाईवे बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। नेशनल हाईवे बनने के बाद से किदोदा मार्ग पर स्थित शहर का इंडस्ट्री हाउस काफ़ी विकसित होगा। वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की सुविधा नहीं होने के चलते इंडस्ट्री हाउस का डेवलपमेंट नहीं हो सका है। डेवलपमेंट होने के बाद से शहर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा ही, साथ ही अन्य क्षेत्रों की कंपनियां भी यहां पे आके प्लांट स्थापित करेंगी। नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं और भक्तों का उत्साह चरम पर है। मंदिरों में देव दर्शन माता पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। खासकर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माता हरसिद्धि के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देख सकते हैं कि प्रतिदिन दीप शिखा के प्रज्वलन के साथ होने वाली आरती के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु प्रतिदिन शाम को यहाँ आ रहे हैं। GRP SP ने रतलाम GRP थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने DI को हिदायत दी कि ट्रेनों में जो चोरी की वारदातें हो रही है उन पर अंकुश करें, वहीं चोरों को पकड़कर जल्दी से सभी घटनाओं का पर्दाफाश करें। वहीं GRP SP ने सभी पुलिस कर्मचारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान समस्या यह सामने आई कि RPF जवानों को नए क्वार्टर मिल चुके हैं, लेकिन GRP के जवानों को पुराने कंडम आवासों में रहना पड़ रहा है। इस मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद SP ने उन्हें जल्द से जल्द अच्छे आवास देने का आश्वासन दिया है। युवक कांग्रेस द्वारा पेट्रोल वृद्धि की कीमत को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन ऐसा था कि रथ की सवारी करके बैलगाड़ी बनाकर उसकी यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा पुष्करणी पार्क से शुरू होकर बाजार की ओर से निकलते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची है। वहां भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसी दौरान ज्ञापन दिया गया।